मैनपुरी थाना भगवान क्षेत्र के ग्राम जसवंतपुर में गांव के ही लोगों से चक्रोट को लेकर मृतक बलराम सिंह राजपूत का विवाद हुआ था, जिसमें उक्त लोगों ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद आज युवक का शव शीशम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। शव देखने के तुरंत बाद परिजनों ने उसे नीचे उतारा, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो वही परिजनों की तरह से तहरीर प्राप्त हो चुकी है, जिसमें युवक की हत्या करने की आशंका जताई गई है और करीब 8 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। तो वहीं परिजनों का कहना है कि उक्त लोगों ने कल ही जान से मारने की धमकी दी थी और उन्हें लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। परिजनों ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। दादा क्या नाम है आपका? श्री पूरन सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई है? आज पोस्टमार्टम आए हैं, क्या घटना हुई? अब घटना का भाई जो घटना आएगी कि इनने मार मूरे का और घुटुए हैं वे जमीन पे। ठीक है। हाँ, तो जमीन अब घुटुए उतारे हमने। ठीक है। कौन लोगों ने मारा? अब जो हमें नाय साहब पर कुछ आपने तहरीर दी है उसमें कुछ नाम भी दिए हैं आपने? जी, रविंद्र सिंह, शिवम, सुधीर, विपन, मंजेश, विशाल। अच्छा, क्या पहले से विवाद चल रहा था इनसे? विवाद इनसे नहीं है, ढील लेके विवाद चल रहा था इनसे। फिर उसके बाद कब विवाद हुआ था? बता रहे कल विवाद हुआ था। शाम को भाव और सवेरे उ साहब भाव। ठीक है। अब मैं तो चले गए मूंगफली खान, बनकारी भारी दही हुए। कोई धमकियां भी दी थी क्या? धमकियां रोज ही देते हैं, जो करें वो करें। तो मुकदमा आपका लिख गया क्या? मुकदमा पंजीकृत साहब लाइन लिखोगे? तहरीर दी है आपने। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? राम जसवंतपुर थाना। थाना भोगा। अच्छा, पोस्टमार्टम आए हैं, क्या घटना हुई पूरी बताएं। घटना का असर मतलब जब हम मूंगफली खाने गए सवेरे तो हमने भाई को घर दिला गड्ढे, मतलब सवेरे देखा जा करे तो घुटने धरे ना धरती हो। और यहाँ फिर हमने उतारो, हमने लिया फूंक के देखे भाई को, अगर जान हो तो हो, वो जान कहाँ थे वो तो मर गई। अच्छा, किस जगह ये फांसी पर लटके हुए थे? शीशम पेड़ था। तो गाँव में ही है क्या? नहीं, दूर है। दूर है। क्या विवाद कुछ हुआ था लोगों के बीच? विवाद हुआ था कल, मतलब चक्रोट के विवाद में चल रहा था। जी। तार मतलब ये ढील नहीं रहे, खूंटा गाड़ है तार। कौन लोग? ये हैं हमारे परिवार के ही हैं। क्या नाम है उनके? रविंद्र हैं, शिवम हैं, लाखन हैं, मंजेश हैं, विशाल हैं। जी। ये मतलब सभी लोग मतलब हैं तार। अच्छा। तो चक्रोट का विवाद था सिर्फ? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद आपने तहरीर दी है थाने पर? नहीं दी हमने सर। प्रार्थना पत्र नहीं दिया? वो पहले मैंने दिया था चक्रोट के लिए। अच्छा। हाँ, कई बार दिया। और अभी घटना हुई है तो अभी नहीं दिया? अभी अभी मतलब यहाँ दी, अभी नहीं दी हमने। अच्छा, तो ये जो नाम आपने बताए हैं, क्या घटना इन्हीं ने कारित की है क्या? इन्हीं ने किया हमारे। अच्छा, तो पुलिस क्या कर रही है कार्रवाई? पुलिस कार्रवाई अब देखो आगे क्या करे सर। अच्छा, क्या उम्र रही होगी मृतक की? मृतक की उम्र है 40 साल लगभग। अच्छा, क्या नाम क्या है इनका? बलराम सिंह। बलराम सिंह।